जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया का हॉकी के अंदर माजी और हाल बहुत अच्छा रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में जो हॉकी खेल है इसके लिए आप हॉकी को क्या क्या सपोर्ट करेंगी, आपकी तरफ से क्या क्या मदद हॉकी को पहुंचती रहेगी। देखिए, आज हमारे यहाँ अगर नॉर्थ जोन का इंटर यूनिवर्सिटी हो रहा है तो ये क्या पहला सपोर्ट नहीं है? ये खुद ही सपोर्ट है जिसमें हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग आए हुए हैं, तो ऐसा ही हमेशा सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ लड़कियों का हॉकी टीम भी बनाने की मेरे प्लान है और वो ज़रूर करूँगी इस साल में और अगले साल में। बहुत अच्छी स्टूडेंट्स को जो हॉकी खेल रही हैं नेशनल लेवल पे, उनको भी इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या मैडम, एक सवाल ये भी है, क्या जामिया से जो इतने सारे डिफरेंट गेम्स के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स रह चुके हैं, वो आपके शूटिंग में भी रहे हैं, लॉन टेनिस में भी रहे हैं, आपका रेसलिंग में भी रहे हैं, हॉकी के अंदर हैं, क्रिकेट के अंदर हैं, तो क्या आप उनको एक गेट टुगेदर करके क्या आप उनकी फिर जो नई जनरेशन आ रही है क्या उनकी हौसला अफजाई करेंगी? ये आपका सजेशन है जी, मगर हम लोग की सोच भी चल रही है कि जब हमारा 100 साल वाला प्रोग्राम होगा अगले साल, तब हम बहुत सारे लोगों का गेट टुगेदर करेंगे, डिफरेंट लोगों का जिन्होंने कुछ अचीव किया है, अचीवर्स जो हैं और जामिया से निकले हैं, तो उसमें ये भी ज़रूर करेंगे। ये नॉर्थ जोन हॉकी चैम्पियनशिप की एक अपना बखार है और मुकाम है और बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट यूँ कहलाया जाता है कि नॉर्थ जोन से मोस्टली हॉकी के प्लेयर्स निकले हैं पास्ट में। ये ज़रूर है कि अब इंडिया में हर जगह हॉकी होती है और ये कंपटीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है सेलेक्ट होते हैं कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ की टीम, जितनी कि यहाँ पे 34 टीमें आई हैं नॉर्थ जोन में, और ये तकरीबन जब ऑल इंडिया टूर्नामेंट को कंबाइंड आप करेंगे तो मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये बिगेस्ट टूर्नामेंट है इंडिया का अगर आप उस वे में लिया जाए। और मोस्टली कमाई यूनिवर्सिटीज़ की जब टीम खेलती है नेशनल चैम्पियनशिप में तो उसके लड़के जो सेलेक्टर्स हैं हमेशा नज़र रहती है उनकी कि उस इस टीम में से ज़रूर कोई ना कोई लड़का उभर के आएगा, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो कि पढ़ता भी है और खेलता भी है और दे आर इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो हम लोगों ने भी कमाई यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए ही इंडिया के लिए हम लोग खेले हैं और बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी पुराने जो भी हैं वो रहे हैं, अजीत पाल साहब, प्रीतिपाल सिंह हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी। तो मैं समझता हूँ कि इसको इसमें काफ़ी ज़ोर देना चाहिए अथॉरिटीज़ को, जो कि AIU है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये कराती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से बहरहाल जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने ये टूर्नामेंट कराया है इस बार भी और कराते आ भी रहे हैं, और इस टीम जितनी टीम है उनको सबको शुभकामनाएं, क्योंकि अच्छा खेलेंगे तो सेलेक्ट होंगे और भारत के लिए एक मजबूत टीम बनाएंगे। तो बच्चे को लगा दिया वो नाजिम को क्या बीमारी है।